पपला जैसे अपराधियों का महिमा मर्डन करने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान पुलिस पपला अपराधी को ढूंढने के प्रयास कर रही है और वह जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। यह दावा आज अजमेर आए डीजीपी भूपेंद्र यादव ने किया। डीजीपी अजमेर में पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। अजमेर जिले की कानून व्यवस्था संबंधी बैठक लेने आए डीजीपी ने स्पष्ट किया कि कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है। पपला गैंग ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन वो राजस्थान पुलिस के हाथों से ज्यादा दिन तक बचकर नहीं रहेगा। डीजीपी यादव ने स्पष्ट कहा कि पपला जैसे अपराधियों का महिमा मर्डन नहीं होना चाहिए। यह सभी अपराधी समाज के लिए घातक हैं। पुलिस द्वारा पपला गैंग के अधिकांश सदस्यों को पकड़ा जा चुका है। डीजीपी ने एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज कराने संबंधी फरमान को सकारात्मक करार देते हुए दावा किया कि इस निर्देश के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस फरमान के बाद प्रदेश में एफआईआर दर्ज होने के आंकड़ों में 30-50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजीपी ने कहा कि इसके बाद अदालत के माध्यम से दर्ज होने वाली एफआईआर में कमी आई है, लेकिन जनता को बड़ी राहत मिली है। कानून अभी बना है, पूरी तरह अमल में आना भी शेष है उसका। उसके वैधानिक औपचारिकता अभी उसमें शेष है, होना पूरी वो होंगी तो उसके बाद ही अमल में आएगा। इफेक्ट पड़े हैं, आप देखिए ना, राज्य भर में जो अभियोग हैं उनका पंजीकरण लगभग 30-50% पड़ गया है सभी ज़िलों में, सभी हेड्स में। उसकी तुलना में जो न्यायालय के माध्यम से आते थे 156(3) में, उन केस में काफ़ी कमी हुई है। तो अपने आप इस बात का द्योतक है कि जो अपराध पहले दर्ज नहीं हुआ करते थे अब दर्ज हो रहे हैं और अनुसंधान भी किया जा रहा है। उससे थोड़ा हमारी पेंडेंसी जरूर बढ़ी है, काम का बोझ अवश्य बढ़ा है, लेकिन उससे हम चिंतित नहीं हैं। वो जो धीमे धीमे उसका निराकरण होगा, लेकिन जहाँ तक रजिस्ट्रेशन है वो लगभग मैं मान सकता हूँ, हम संतुष्ट हैं कि काफ़ी हद तक अब मुक्त रजिस्ट्रेशन है, फ्री लोग रजिस्टर करा रहे हैं और किए जा रहे हैं रजिस्टर। देखिए, पपला को बहुत अधिक महिमा मंडन करने की हमें आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। वो एक गिरोह का सदस्य है, अपराधी है, देर सवेर पकड़ा ही जाएगा। उनके गैंग के अधिकांश लोग पकड़े जा चुके हैं, शेष जो दो एक लोग बचे हैं ये भी पकड़े जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कोई बहुत भारी एक घटना जरूर जो सेंसेशन घटना हो गई है, और उसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना बड़ा कोई, हम उसको दुर्दांत वो मान लें कि उसको बहुत आवश्यकता से अधिक उस पर उसका उसका महिमा मंडन करें, पकड़ा जाएगा वो जल्दी। डीजीपी ने अजमेर जिले की कानून व्यवस्था को लेकर भी संतुष्टि जाहिर की। डीजीपी यादव ने कहा कि अजमेर पुलिस सीमित संसाधनों के बावजूद अच्छा काम कर रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि अजमेर पुलिस और बेहतर काम करे। इसी के लिए आज की बैठक में कानून व्यवस्था के साथ ही नवाचारों पर भी चर्चा की गई है। जो जिले के अधिकारी हैं, जिला एसपी हैं, आईजी रेंज हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनसे इंटरेक्शन करके डिस्ट्रिक्ट के बारे में उनसे जानकारी हासिल करना और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में, राज्य सरकार की और राज्य पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में उन लोगों से बात करना सबसे, और कुछ अपने जो विचार हैं उनसे साझा करना, यही इसका मूल उद्देश्य था। देखिए, पूर्णतः संतुष्ट मैं हमेशा कहता हूँ, पूर्णतः संतुष्ट तो कोई कभी होता नहीं, हम भी नहीं होंगे। हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, बट मेरा विचार है वर्तमान परिस्थितियों में हमारे जो साधन संसाधन हैं और चुनौतियाँ हैं उनकी देखते हुए जिला पुलिस अच्छा काम कर रही है। उनसे मैंने बात की है जहाँ हमने सुधार की गुंजाइशें कहाँ पर हैं, कहाँ और बेहतर कर सकते हैं और कहाँ हमारी प्राथमिकताएँ और होना चाहिए वर्तमान परिदृश्य में, उसके बारे में हमने बात की है। तो मुझे उम्मीद है वो और अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे।